नमस्कार, बीसीएन न्यूज के डॉक्टर.com कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिवशंकर क्लिनिक की ओर से आज हमारे साथ है डॉक्टर अतुल तेलरांधे। आज हम हेयर लॉस और हेयर की समस्याओं के बारे में इनसे जानकारी लेंगे। हमें पता है कि सौंदर्य की जो रचना है उसमें बालों का जो है एक अलग ही अपना कार्य होता है। बालों की वजह से खूबसूरती में चार चांद लगते हैं और आजकल कोई भी खूबसूरती जो है चाहता है, और बालों के लिए खास क्या करना चाहिए, बालों की खूबसूरती के लिए क्या करना चाहिए, हम जानेंगे आज डॉक्टर अतुल तेलरांधे इनसे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि हेयर लॉस, बालों का झड़ना, ये क्या होता है? देखिए, बाल अपने शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और नेचुरली कैसा है, वो भी एक बॉडी का एक टिश्यू है, दो इट इज़ अ डेड टिश्यू, उसमें सेंसेशन नहीं होता है। जनरली वो प्रोटीन केराटिन से बना होता है और बाकी टिश्यूज़ की तरह भी बाल भी झड़ना एक कॉमन बात है। जैसे टिश्यू डेड हो जाता है, पुराना टिश्यू निकल जाता है, नया टिश्यू आ जाता है, बालों के मामले में भी ऐसा ही है कि बाल झड़ते रहते हैं और नए बाल आते रहते हैं, लेकिन उसे एक लिमिट होता है, एक नॉर्मल प्रोपोर्शन होता है। मैक्सिमम तक 40-50 हेयर लॉस पर कॉम्बिंग और पर डे, इतना नॉर्मल माना जाता है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। लेकिन शर्त यह है कि एक बार वो बाल जो झड़ के जा रहे हैं वो वापस रिग्रो होने चाहिए, यानी आपके बालों की जो डेंसिटी है, हेयर जो हेयर्स है, स्काल्प हेयर स्पेशली, यानी सर के बाल, उनकी डेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए, थिनिंग नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल कोर्स में थोड़े बाल झड़ना, वापस रीग्रो होना, ये नॉर्मल है। बट अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और वापस नए बाल नहीं उग रहे हैं, आपके हेयर डेंसिटी कम हो रही है, बालों की लंबाई कम हो रही है, बाल ड्राई हो रहे हैं, टूट रहे हैं, छोटे छोटे कॉम्बिंग में टूट रहे हैं और सर धीरे धीरे खाली होते जा रहा है, इसे हम हेयर लॉस या फिर इसे पैथोजेनिक हेयर लॉस, जिसको हम ये कहेंगे कि इसके तरफ हमको ट्रीटमेंट की तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है, तो दैट इज़ व्हाट हेयर लॉस इज कॉल्ड एज। अच्छा, इसके कारण क्या हो सकते हैं जो हेयर लॉस है होता है? अभी हम देखते हैं हर किसी को यह समस्या है, तो इसके कारण क्या है, या अलग अलग कारण हो सकते हैं, एक ही कारण सब मतलब दिखता है? जी, बालों का झड़ना, ये इनके लिए अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। आजकल बालों का झड़ना, असमय झड़ना, पकना, जिसको पुराने आयुर्वेद में, संस्कृत में खालित्य और पालित्य कहा जाता है। खालित्य यानी बालों का कम हो जाना, थिनिंग हो जाना, झड़ना, और पालित्य यानी पकना, ग्रेइंग ऑफ हेयर और व्हाइटनिंग ऑफ हेयर हम जिसको बोलते हैं। सो आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन होगी और इररिस्पेक्टिव ऑफ एज होगी, आपको छोटे बच्चों में भी बालों का पकना दिख रहा है, कई बार तो आपको बालों का झड़ना भी दिखेगा। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, खान पान के, डाइट के जो नियम है वो लोग आदमी फॉलो नहीं कर पाता है, उसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसे डिजीजेस लग जाते हैं, वो ड्यू कोर्स में स्ट्रेसफुल लाइफ जीने लग जाता है, रात को नींद नहीं हो पाती, रात को जागरण हो जाता है, ऐसे कई फैक्टर्स के कारण देखा जाता है कि लोगों में 20+, 30+ ऐसी एज में ही बालों का पकना, कई बार झड़ना और इररिवर्सिबल झड़ना, वापस बाल न ग्रो होना, बाल्डनेस डेवलप हो जाना, ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसके लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स, बालों का झड़ना ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, ऐसा ट्राइकोलॉजिस्ट का कहना है। उसमें डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है, जो एंड्रोजेनिक हार्मोन है, सो दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी बाल झड़ना ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन है DHT, ये हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में होता है। जनरली ये हार्मोन हेयर रूट्स में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है और प्रोस्टेट में पाया जाता है। तो ये हार्मोन एक लिमिट क्रॉस करके जब बढ़ जाता है तो दैट कॉजेस लूजनिंग ऑफ हेयर रूट्स एंड हेयर लॉस, फिर यहाँ से हेयर लॉस शुरू हो जाता है। कई बार हेयर ग्रेइंग के लिए भी ये हार्मोन कारणीभूत होता है। तो ये एक कारण है, इस हार्मोन के लेवल बढ़ने के अनेकों कारण है। उसमें नंबर वन कारण हम बोल सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, एक। दूसरा आपकी एज, पर्टिकुलर एज के बाद, अब नॉर्मली कैसा है, 50s और 60s के बाद हेयर ग्रेइंग पुराने ज़माने में होता था। लेकिन वो 10-10 साल पीछे आ रहा है अभी। अभी 30s के बाद भी आपको लोगों को हेयर वाइटनिंग वगैरह नज़र आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, उस हार्मोन की लेवल बढ़ जा रही है, एजिंग एक फैक्टर उसमें दिख रहा है। हेरिडेटरी कॉज दिखता, यानी जिनके मम्मी पापा के बाल अर्ली एज में पक गए हो, या किसी रिलेटिव्स में अगर हेयर लॉस या बाल्डनेस आपको नज़र आ रहा है, तो उसके बॉडी में अगर ये जीन डोमिनेंट हो गया है तो सर्टनली उसके पास भी ये प्रॉब्लम आएगा, हेयर लॉस हेरिडेटरी कॉज के कारण उसके बॉडी में आ सकता है।
सो दैट इज ऑल्सो कॉज। हेरिडेटरी हेयर लॉस में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, ये कर सकते हैं कि उसको डिले कर सकते, अर्ली अगर फेज में आपको पता चल गया कि हेयर लॉस है देन उसको हम डिले कर सकते हैं कि कम से कम उसकी कुछ लाइफ अर्ली यंग एज, क्योंकि कॉस्मेटिक पर्पज से बालों का होना बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक पर्पज से, अदरवाइज बाल झड़ने से कोई बहुत बड़ा डिजीज नहीं होने वाला, बट कॉस्मेटिक पर्पज के हिसाब से आपको बालों को, नेचुरल बालों को, आपके जो ओरिजिनल बाल हैं उनको झड़ने से रोकना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट आवश्यक होता है। हेरिडेटरी कॉज ये एक कॉज होता है। उसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड हार्मोन अगर हाइपरथायरॉयडिज्म में बाल झड़ना शुरू हो जाता है, ऐसे कई बार आपको देखा जाता है थायराइड डिसऑर्डर स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा, वो डिसऑर्डर बाल झड़ने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में एक और चीज़ आ जाती है, डाइट हो गया। अब डाइट में तीखा, मसालेदार, स्पाइसी, एल्कोहल इंटेक, टोबैको इंटेक, ये सारी चीज़ें, और आजकल हम जो जंक फूड खा रहे उसमें प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल्स बहुत ज़्यादा प्रमाण वो आपके बॉडी में घुल रहे हैं, इसको आयुर्वेद में दूषी विष कहा गया। खाना जंक फूड, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं, और इवन अभी जो अपने को क्या कहते हैं उसको, जो खाना मिलता है, जो ग्रेन्स आती है, जो क्रॉप आती है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ आता है, वो जितने ज़्यादा प्रमाण में यूज़ होगा उसके तो और भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हेयर लॉस, वाइटनिंग ऑफ हेयर, वो भी उसका एक कारण है। चाय ज़्यादा पीना, कॉफ़ी ज़्यादा पीना, दीज आर द टॉक्सिन्स, उसके फायदे हैं लेकिन नुकसान भी उतने हैं। चाय, कॉफ़ी, केमिकल फर्टिलाइजर्स वाला खाना, बाद में स्पाइसी ऑयली खाना ज़्यादा, उसके अलावा नमक जो है, जो हम समुद्री नमक यूज़ करते हैं वो, इसका ज़्यादा इंटेक, कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, इन सारे कारणों से कुछ जैसे कुछ लोग मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन लिमिट होता है उसका एक लेने का, लेकिन कुछ लोग पेन किलर्स वगैरह रेगुलरली ज़्यादा खाते हैं, तो इन सब कारणों से भी हेयर लॉस होता है, वो एक हो गया। मेंटल स्ट्रेस ये बहुत बड़ा कॉज है, रात को ठीक से नींद नहीं होना, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहना, रिलैक्सेशन नहीं मिलना, आप देखना यू विल फाइंड द हेयर लॉस, इवन आपके चेहरे की बॉडी की स्किन भी, अगर आपने रात को नींद नहीं ली तो यू विल फील वॉन्ट, अचानक से दिख जाता है सीधा फेस पे नजर आता। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू कोर्स में हेयर लॉस उसके कारण भी पाया जाता है, वो एक कारण। आप देखो रूटीन में, और किसी का काम कैसा है, बहुत हेस्टी है, उसके ऊपर वो स्ट्रेस से काम कर, बहुत कम समय है और बहुत ज़्यादा काम कर, तो दौड़ भाग उसके पीछे जो लग जाती है, उस कारणों से भी हेयर लॉस होता है। जैसे नंबर ऑफ कॉजेस हेयर लॉस के, जिस तरह से बाल झड़ते हैं उसके लिए, जिस तरह से आपने अभी इतने मतलब बताया है कि इससे मतलब इतने कारण हैं कि बाल झड़ सकते हैं, तो किस तरह का डाइट है अभी जो लोगों ने लेना चाहिए, क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी सभी की है, तो डाइट कैसे फॉलो करना चाहिए? डाइट तो आपको टाइमली खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी का खाना दो, खाने का टाइम निकल गया और आप खा रहे हो तो डाइजेस्ट नहीं होगा। देखो स्किन और हेयर या बॉडी की कोई भी टिश्यू का न्यूट्रिशन आपके डाइट से ही होने वाला है, वो डाइट उसको प्रॉपर नहीं जा रहा, टाइमली नहीं जा रहा, तो हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हेयर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो तो आफ्टरऑल आउटग्रोथ है ना, तो बाहर आने वाली जो ग्रोथ है, तो उसको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हेयर लॉस हो ही सकता, वो एक उसका बहुत मेजर कॉज है। टाइमली खाना ना खाना, अभी मैंने बताया स्पाइसी खाना, ऑयली खाना, जंक फूड खाना, नमक वाला ज़्यादा खाना, तीखा मसालेदार ज़्यादा खाना, आपको खाने का एक स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स लिमिट में होने चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स ना बने, डाइजेशन प्रॉपर हो। डाइट में आपको, अगर हम स्पेसिफिक बालों की बात करें तो आपको नारियल जैसे हो गया बालों के लिए अच्छा माना जाता है, प्रोटीन, क्योंकि बाल बने ही प्रोटीन से, तो प्रोटीन डाइट आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी या मसालेदार खाने से क्या हो जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो दैट मे कॉज हेयर ग्रोइंग और हेयर लॉस, ठीक है। तो ऐसी जैसे आंवला हो गया, अब डाइट में तो नहीं लेकिन हम सप्लीमेंट के तौर पर, आंवला बालों के लिए बेस्ट होता है, मैंने अभी नारियल की बात बताई वो बालों के लिए बेस्ट होता है, आप जितनी भी सब्जियां खाते ग्रीन वेजिटेबल्स वो बालों के लिए बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। तो डाइट में आपको सारा न्यूट्रिशन प्रॉपर टाइम पे लेना चाहिए, तो आपको न्यूट्रिशन वाइज बाल आपके अच्छे ग्रो होंगे और बालों की समस्या नहीं।
बिल्कुल, आपने अभी बताया कि मानसिक तनाव ये भी एक कारण है कि जिससे हेयर फॉल होता है या बाल जो है सफ़ेद होते हैं कम एज में, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह की ट्रीटमेंट आपकी ओर से दी जाती है? तो मानसिक तनाव, जैसे हमने बात की उसके बारे में, मेंटल स्ट्रेस, तो मेंटल स्ट्रेस को, स्ट्रेस इज ऑलवेज मैनेज बाय टाइम मैनेजमेंट, तो आपको आपके लाइफस्टाइल में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। खाना समय पे होना चाहिए, नींद समय पे होना चाहिए। देर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि मुझे समय नहीं मिलता है, मेरा काम ही ऐसा है, मुझे जागना पड़ता है, ये है वो है, तो फिर यू विल हैव टू फेस दैट। अगर आप आपकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो तो आपके 100 और भी बीमारी आपके शरीर में जा सकती है, हेयर लॉस तो एक छोटी बीमारी। सो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्पेशली जैसे हम मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए बिल्कुल आपको आपका टाइम मैनेज करना पड़ेगा, तो मेंटल स्ट्रेस नहीं आएगा। आप टाइमली काम करोगे तो आप और ज़्यादा खुश होंगे, फिर तो बाल अच्छे ग्रो होंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। अब उसके लिए मेडिसिन क्या है? मेडिसिन से ज़्यादा आपको मैनेजमेंट करना है, मेडिटेशन वगैरह करना है, योगा करना है, जिससे आप एनर्जेटिक फील करें और स्ट्रेस को मैनेज कर पाए। मेडिसिन के तौर पर ब्राह्मी हो गया, शंखपुष्टि हो गया, जटामांसी हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन है कुछ जो बालों के लिए, जटामांसी का नाम है जटा और मांसी, तो उसमें ऑलरेडी वो वर्ड ही वो बालों के लिए फेवरेबल ही है। ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्टि, ये सारे जो मेंटल स्ट्रेस को कम करने वाले, मेंटल स्टैमिना बढ़ाने वाले, मेंटल हॉर्मोन्स को बैलेंस करने वाले एंड देयर बाय बालों को फेवरेबल, ऐसी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए इन वेरियस फॉर्मेट्स। ये तो इंटरनल की बात हुई, एक्सटर्नल बालों के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या बताना चाहोगे आप दर्शकों को? एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जैसे शैम्पू भी बने आजकल आयुर्वेदिक शैम्पूज, उसके अलावा हेयर ऑयल्स आते हैं, हेयर शैम्पू आते हैं, हेयर कई बार तो आपको क्रीम्स आते हैं, वो भी आप बालों में लगा सकते हैं। हेयर वॉश करने के लिए भी, जैसे आंवले का मुरब्बा, उसमें से आंवला निकाल लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए, उससे बाल धोइए, वो भी अच्छा एक उपाय। त्रिफला चूर्ण आता है, उसको पेस्ट बना के आप बालों में लगा के वॉश कर सकते हैं। ये सिंपल चीज़ है जो बाल वॉश करने के लिए एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर शैम्पू यूज़ करना है तो आयुर्वेदिक शैम्पू ज़्यादा अच्छे होते हैं। हेयर ऑयल्स बहुत सारे, जैसे बाली हेयर ऑयल करके आता है, एक बहुत अच्छा हेयर ऑयल है जो एक्सटर्नली आप यूज़ कर सकते हैं। ओरली मेडिकेशंस में भी हेयर, जैसे आंवला हो गया, आंवला के जूसेस आते हैं, वो बेटर है। केश काला करके आता है, भृंगनील करके एक टैबलेट आती है, दीज आर देर आर नंबर ऑफ अदर मेडिसिन ऑल्सो, ये भी आप बालों के लिए दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसे बाल झड़ते हैं तो हमने अभी देखा है कि बहुत से कॉस्मेटिक बाजार में है बालों को ना झड़ने के लिए, जैसे शैम्पूज हो गए, तेल हो गए, तो इसमें शैम्पू लगाना कितना मतलब कितने हद तक सही है कि शैम्पू लगाने से बाल नहीं झड़ेंगे, या कौन सा शैम्पू है जो यूज़ करना चाहिए ऐसे कुछ? देखिए, जो बाकी शैम्पूज आते हैं हेयर वॉश के लिए, नॉर्मल हेयर वॉश के लिए, तो वो केमिकल्स उसमें डेफिनेट होते हैं। कई लोगों को देखा जाता है कि इनसे प्रॉब्लम होती है और देयर बाय हेयर लॉस होता है। अब कंपनीज तो प्रमोट करने के लिए सारी चीज़ें बताती है कि इससे बाल झड़ते नहीं, या फिर बाल स्ट्रांग होते हैं, उसमें प्रोटीन है, ये है वो है, बट ये नहीं बोल सकते कि उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, बट कुछ आयुर्वेदिक शैम्पूज जो बने हैं बालों को वॉश करने के लिए, जैसे डैनो करके एक शैम्पू आता है, उसके बाद बाली करके भी हेयर शैम्पू आता है। सो ये सारे शैम्पूज फेवरेबल है, ऐसा हमने देखा, हम प्रिस्क्राइब करते हैं हेयर लॉस में भी। तो ये शैम्पू, बाल शैम्पू अगर टॉक्सिक ना हो, आपको सूट हुआ हो, तो आप हेयर वॉश कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ शैम्पू, शैम्पू आफ्टर ऑल उसमें डिटर्जेंट एंड केमिकल आता है, तो बहुत ज़्यादा शैम्पू सही नहीं होगा बालों के लिए, तो वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इवन हेयर डाइज की बात करते हो, हेयर डाइज जिन लोगों के बाल पक जाते हैं, या फिर इवन नॉर्मल ब्लैक होने के बाद भी है ना कलर करते लोग बाल, तो केमिकल्स है। कई पेशेंट तो हमने देखे कि फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने डाई यूज़ किया एंड दे गॉट रिएक्शन, और फिर बहुत सारे बाल झड़ रहे होंगे, ऐसे कई पेशेंट आते हैं। फिर एक्चुअली वो यूज़ करने से पहले आपको उसका टेस्ट कर लेना चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ केमिकल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन मे कॉज हेयर लॉस, तो आपको हिसाब से यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने पहले कहा था कि कॉस्मेटिक के तौर पे बाल जो है मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, या बालों का ध्यान देना ज़रूरी है, तो बालों का ध्यान कैसे दें, क्या बताओगे आप? यस, तो अगर आप स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए बालों का ध्यान देना चाहते हैं, बालों की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हेयर ग्रोइंग डाइट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर रेगुलर डाइट, स्ट्रेस फ्री लाइफ, प्रॉपर स्लीप, ओके, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे ऑयलिंग, यानी बालों को प्रॉपर ऑयलिंग होना ज़रूरी है। उसके अलावा
हेड मसाज अगर आप रेगुलर करते तो वो सही है। शैम्पू यूज़ करना है तो नॉन केमिकल वाले शैम्पू आप यूज़ करें। उसके अलावा कुछ मेडिसिंस रेगुलर तौर पे अगर आप लेते हैं, जो स्ट्रेस पे भी काम करेगी, बालों के लिए भी काम करेगी, वो ना जैसे कोकोनट हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, आप रेगुलर यूज़ करो उसको, मेडिकेटेड कर सकते हैं आप, या फिर रेडीमेड भी ऑयल्स आपको मिलेंगे उनका यूज़ करेंगे तो बाल आपके नहीं झड़ेंगे या फिर लाइफ लॉन्ग सही रहेंगे। और दूसरी बात एक और बोलना चाहूँगा कि उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको, जो जो कॉजेस है उसको ये करना, ज़्यादा ज़्यादा केमिकल्स, जंक खाने में भी आपको, जैसे हमने बात की कि जंक फूड एंड प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए अवॉइड करना पड़ेगा आपको, तो आप बालों की तरफ ध्यान दे सकते हैं, बालों को मेंटेन कर सकते हैं सही तरीके से। बिल्कुल, आपने अभी बताया कि ऑयलिंग जो है बालों में करना चाहिए, लेकिन कई बार हम ऐसा भी सुनते हैं कि ऑयलिंग से जो है पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं और जिससे बाल जो है उगना बंद होते हैं, या जो डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम्स आती है उससे क्रिएट होती है तेल लगाने से, तो ऐसा कुछ है? अगर मेडिकेटेड ऑयल यूज़ किया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। ऑयलिंग तो बहुत पुराने ज़माने से लोग यूज़ कर रहे हैं। मॉडर्न डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट ऑयलिंग के बारे में बोलते हैं कि डोंट यूज़ ऑयल इन द हेयर, लेकिन हम आयुर्वेद वाले ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल स्पेशली, अच्छा ऑयल जिससे, क्योंकि बाल स्नेह जो है, ल्यूब्रिकेशन है बालों के लिए मस्ट, ऑयलिंग से बाल अच्छे होते ये हमारा दिखना है। सो मेडिकेटेड ऑयल अगर आप यूज़ करते तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म द हेयर, उल्टा वो फेवरेबल है बालों के लिए। हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप ऑयल यूज़ कीजिए बालों के लिए। बिल्कुल, एक मतलब घर पे, जैसे घर पे है या घरेलू नुस्खे, जैसे कैसे हम मतलब बालों को अच्छे रख सकते हैं, एक आपकी ओर से हमारे दर्शकों के लिए छोटा सा मैसेज। जी, तो जैसे कि आप, ये हमने डिस्कस किया है कि बालों के लिए क्या करना चाहिए, तो खान पान पे ध्यान रखिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस ज़्यादा केमिकल्स यूज़ ना करते हुए नेचुरल वे में आप नेचुरल ऑयल्स को यूज़ कीजिए बालों के लिए। कई लोग सरसों का ऑयल, कोई तिल का ऑयल, कई बार हम लोग नारियल ऑयल, तो कोकोनट ऑयल हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे ये कीजिए। और लाइफस्टाइल को फिट रखिए, एक्सरसाइजेस है, स्ट्रेस फ्री लाइफ है, मेडिटेशन है, योगाज है, रात को अच्छी नींद है, टाइमली खाना खाना है, भले ही आपका जो भी काम हो, आपको आपकी लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ेगा, तो आपके बाल भी सही रहेंगे, कोई देर विल बी नो हेयर लॉस। एज तो एक फैक्टर है, एज के बाद तो हेयर लॉस या हेयर ग्रेइंग हो सकता है, लेकिन आप उसको डिले कर सकते, लंबा खींच सकते अपने आप को, लंबे समय तक आपके बाल काले रहेंगे और घने रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी जो है डॉक्टर अतुल तेलरांधे इन्होंने हमें दी है, बाल जो है खूबसूरती के लिए जिसे माना जाता है, और उसे कैसे हेल्दी रखें, कैसे अच्छे रखें, ये हमने आज के एपिसोड में जाना है दर्शकों। और ऐसी ही जानकारी डॉक्टर से हम लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है यही रुकने का। नमस्कार।